नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीएनबीसी आवाज के एक रिपोर्ट के हिसाब से हमें ये पता चला है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है डिजिटल नोट्स यानी कि डिजिटल करेंसी को जो है लाना चाहती है, लेकिन वो जो है एक करेंसी नहीं दो करेंसीज लाना चाहते हैं। पहला करेंसी होगा एक नॉर्मल स्टेबल कॉइन जो INR के एक डिजिटल वर्जन की तरह होगा, जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरा एक और डिजिटल करेंसी ऐसा होगा जो आपको इंटरेस्ट देगा, यानी कि आपको ब्याज मिलेगा उस डिजिटल करेंसी को होल्ड करने पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है ये, और उसके बारे में जो सीएनबीसी आवाज ने आज एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है पब्लिश किया है। तो देखते हैं पहले इस रिपोर्ट में क्या कहा है रिपोर्टर ने, और उसके बाद जो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। उनके ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो है, तो इसका लिंक भी मैं नीचे छोड़ दूंगा, तो आप डेफिनेटली जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो का जो अहम हिस्सा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इस वीडियो को। लक्ष्मण ही एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए, तो लक्ष्मण आपसे समझना चाहेंगे कैसे उठी ये डिजिटल करेंसी की बात, कहाँ तक पहुँच रही है, क्या जल्द हम डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करेंगे? जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक कागज के नोट के तर्ज पर डिजिटल नोट जारी किया जाए। ये डिजिटल नोट जैसे कागज का नोट आप अपने पॉकेट में रखते हैं, वैसे डिजिटल नोट को आप अपने मोबाइल के वॉलेट में रख सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में रख सकते हैं। जैसे कागज का नोट किसी को देना हो वैसे डिजिटल नोट भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल के जरिए अपने वॉलेट के जरिए। हाँ, जैसे अभी ये पता नहीं चलता है कागज का नोट का सर्कुलेशन किसके हाथ से किसके पास गया है, वैसे डिजिटल नोट के बारे में भी ये गोपनीयता रखी जाएगी कि किसने किसको ट्रांसफर किया, काफी हद तक गोपनीय रखा जाए। जैसे कागज के नोट को जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास होता है, इसके सर्कुलेशन पर नजर रखने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास होता है, वैसे डिजिटल नोट पर नजर रखने और सर्कुलेशन का अधिकार रिजर्व बैंक के पास रखा जाए। दरअसल सिफारिश की है आर्थिक मामलों के सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी ने। ये कमेटी बनाई गई थी डिजिटल करेंसी के रेगुलेशन के लिए सिफारिश करने को लेकर। कमेटी ने कहा है कि डिजिटल नोट दो तरह के जारी किए जा सकते हैं, एक डिजिटल नोट जिस पर कोई ब्याज न मिले उसकी कीमत हमेशा उतनी ही रहे, दूसरा डिजिटल नोट जिस पर ब्याज मिले, यानी जो डिजिटल नोट जितने समय तक जिसके पास रहे उस पर ब्याज दिया जाए। इस ब्याज वाले डिजिटल नोट का इस्तेमाल गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट के विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। कमेटी का कहना है कि इस डिजिटल नोट को जारी करने के लिए क्वाइन एक्ट RBI एक्ट में जरूरी बदलाव करने होंगे। कमेटी ने दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश की है, वो ये है कि बड़ी बड़ी रकम के लेन देन के लिए डिजिटल लेजर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, इसके जरिए सीमा पार से पैसे का लेन देन का पता लगा पाना भी आसान होगा। कमेटी की तीसरी सिफारिश काफी अहम, वो ये कि निजी करेंसी वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए, इसको रखने इसके लेन देन को गैर कानूनी घोषित किया जाए, इसके लिए खास कानून बनाया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, तीन बातें मेन आई हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहता है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि दो डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात हो रही है। एक रेगुलर स्टेबल कॉइन होगा जो INR के साथ पैक्ड होगा, जो एक नॉर्मल जो आप मोबाइल वॉलेट से एक दूसरे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप जैसे आप गुड्स या सर्विस कोई भी आप खरीद सकते हैं, तो एक तरीके से पेटीएम की तरह काम करेगा, जहाँ पे एक डिजिटल नोट होगा आपके पास डिजिटल करेंसी के तौर पर। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। उसी का एक दूसरा वर्जन ये है कि एक जो है वो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा करेंसी जो आपको इंटरेस्ट दे और उसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह लॉन्च करने के लिए जो है यूज करने की बात की जा रही है। तो ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, और डेफिनेटली डिजिटल करेंसीज को जो है ऐसा यूज किया जा सकता है। डिजिटल करेंसीज का यही एडवांटेज है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे नए नए आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उनके ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। दूसरी बात यह की जा रही है इस वीडियो में कि कोई भी अगर बड़ा ट्रांजेक्शन हो तो उसके लिए जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। तो इस वीडियो में जो ऐसा डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी कहा गया, लेकिन डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होता है। तो ब्लॉकचेन जैसे और कई सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात की जा रही है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में, ताकि ट्रांजैक्शन को जो है ट्रैक रख सके, हम ट्रांसपेरेंटली जो है देख सकें कि क्या हो रहा है उस ट्रांजैक्शन में, और उसको जो है एक टैम्पर प्रूफ तरीके से ब्लॉकचेन पर जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसलिए जो है उसको यूज करने की बात करी है गवर्नमेंट, और ये डेफिनेटली एक अच्छा मूव है। तीसरी बात, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण बात होगी, कि डिजिटल करेंसीज यानी कि आप जो भी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज हैं, आप बिटकॉइन ले लीजिए, इथेरियम ले लीजिए, कोई भी दूसरे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके रखने पर जो है बैन लाने की बात की जा रही है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को जो बैन करे, और इस वीडियो में भी यही बताया गया है कि हो सकता है बिटकॉइन और दूसरे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पर जो है पूरी तरह रोक लगा दी जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं जानता हूं आप सुन के घबराएंगे जरूर, और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं दोस्तों,
सबसे पहले तो ये बात तो कि अभी पुष्टि नहीं हुई है, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया गवर्नमेंट से, ये सिर्फ गवर्नमेंट के किसी सोर्स से पता चला है। तो ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स तो बहुत आ रहे हैं पिछले एक साल से कि गवर्नमेंट जो है कमोडिटीज़ की तरह ट्रीट करेगी क्रिप्टो करेंसीज को, गवर्नमेंट बैन करने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं दोस्तों। जब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आता गवर्नमेंट की ओर से, तब तक जो हम पूरी तरह नहीं कह सकते गवर्नमेंट करने क्या वाला है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों कि गवर्नमेंट अगर अपने खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करती भी है तो मुझे नहीं लगता कोई अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाएगा गवर्नमेंट। वो शायद एक एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, आप इथेरियम ले लीजिए, कोई भी जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है उसी प्रोटोकॉल को जो यूज करेंगे वो डिजिटल करेंसी बनाने के लिए। तो अगर आप किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन को यूज करते हैं तो उसे बहुत आसानी से दूसरे किसी क्रिप्टो करेंसी में भी एटॉमिक स्वैप्स के थ्रू जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर डिजिटल करेंसी अगर गवर्नमेंट अपना लॉन्च करती है खुद का, तो अगर INR का एक कोई कॉइन बनता है और वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, तो अगर इथेरियम के ब्लॉकचेन पर INR का कोई कॉइन बनता है तो उसे बड़ी आसानी से दूसरे किसी भी कॉइन में या दूसरे किसी भी टोकन में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इतना ईजी नहीं होगा गवर्नमेंट को इस चीज को मेंटेन करना कि उसे जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट न किया जा सके। तीसरी बात यह की जा रही है कि बिटकॉइन को जो है गवर्नमेंट बैन कर दे, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा दोस्तों कि इसके पास कितना बिटकॉइन पड़ा हुआ है। लोग तो बड़ी आसानी से जो है बाइनेंस जैसे किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज से जाके क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, तो OTC यानी कि ओवर द काउंटर भी जो है लोग खरीदते हैं क्रिप्टो करेंसीज को, तो कैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा। तो मुझे नहीं लगता ये जो तरीका देखा जा रहा है, तो एक दो बातें तो इसमें ठीक है कि अपने खुद की आप क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं डिजिटल करेंसी, दूसरा आप डिस्ट्रीब्यूट लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करना चाह रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन जो तीसरी बात की जा रही है दोस्तों, आई होप ये जो बात है वो पूरी तरह से जो सही नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बैन करना भी चाहे दोस्तों, आप कैसे बैन करेंगे क्रिप्टो करेंसी को। डिस्ट्रीब्यूट लेजर टेक्नोलॉजी का मतलब ही ये होता है कि दुनिया में कहीं भी जो है जिसके पास भी नोड है वहां पे जो है ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है और उसे जो है रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है टेक्नोलॉजी। इसलिए बिटकॉइन इथेरियम ऐसे बड़े बड़े जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में रोकना इतना आसान नहीं है, इसलिए बैन जो करना है वो इंपॉसिबल है एक तरीके से दोस्तों। तो प्लीज आप घबराइएगा नहीं ऐसे न्यूज को सुन के, जो है आप ये ना सोचें कि गवर्नमेंट जो है बैन कर देगी। आप कैसे बैन कर सकते, इतने सारे लोग हैं दोस्तों, 2.5-3 लाख लोग जो इंडिया में जुड़े हुए हैं, 2.5-3 लाख मेरा एक रफ एस्टिमेट है, 2.5-3 लाख जो है क्रिप्टो करेंसी जिनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो क्या सब गुनहगार हो जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो है काम कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो है आ रहे हैं, आपको तो पता ही है NASDAQ, NSE, ऐसे बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है क्रिप्टो करेंसीज के, वो आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में। तो ऐसे सिनेरियो में जो मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन करेगा, डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों। उनके पास एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव यह है कि अगर गवर्नमेंट अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है, अगेन ये मेरा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर सकता है, तो अगर गवर्नमेंट जो है अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है तो गवर्नमेंट जो है एक मैंडेट दे सकता है हमारे एक्सचेंजेस को, हमारे सारे जो मेन हमारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनको मैंडेट ये दिया जा सकता है कि आप जो है सबसे पहले डिजिटल करेंसी को ही अपना एक इनपुट करेंसी पकड़े और उसके बाद जो आप दूसरा कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहे उस गवर्नमेंट करेंसी के थ्रू ही आप जो है दूसरा कोई क्रिप्टो करेंसी जो है खरीद सकते हैं। तो लेन देन के लिए जो बेस करेंसी है उसे इस गवर्नमेंट करेंसी को रखा जा सकता है, जिससे जो गवर्नमेंट जो है ट्रैक रख सके कि कितना कौन ट्रांजैक्ट कर रहा है, और बड़ी आसानी से जो KYC के थ्रू जो है टैग रखा जा सकता है। तो ये जो है मेरे लिए ऐसा लगता है, मुझे एक अच्छा तरीका हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को जो है ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए। और अगर आप पूरी तरह बैन करते हो दोस्तों, मुझे लगता है एक ब्लैक इकोनॉमी बन जाएगा जहां पे लोग जो है फिर भी कंटिन्यू करते रहेंगे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना, तो ये जो है गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट चाहता है ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट चाहता है कि लोग जो है टैक्सेस भरें, एक ऑनेस्टली जो है उसे रेगुलेट किया जाए, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को जो है क्रिप्टो करेंसीज को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लाना चाहिए। अगर बैन करते दोस्तों तो फिर से जो है एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी और ये मुझे नहीं लगता है इंडियन इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म सही रहेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है वर्ल्ड इकोनॉमी, जो बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें, इंडिया को जो पीछे न जाने दें। हमारे एंटरप्रेन्योर जो है बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे डेवलपर्स जो है काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में। तो मैं ये नहीं चाहता कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और इंडियन जो हमारे बिजनेसेस है वो इस क्षेत्र में पीछे रहे। तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त है दोस्तों, अगर आप में से कोई भी देख रहा है इस वीडियो को, क्रिप्टो करेंसी को आप बैन ना करें, प्लीज रेगुलेट कीजिए ताकि इंडियन भी जो है इस ग्लोबल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सके। इसी नोट पर जो मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दें। प्लीज एक हमारे वेबसाइट भी जरूर चेकआउट कर दोस्तों, हमारे वेबसाइट का एड्रेस है cryptodost.io। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको न्यूज मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, ICO ट्रैकर मिलेगा, प्राइस ट्रैकर मिलेगा, तो डेफिनेटली आके चेकआउट करें हमारे वेबसाइट को। और साथ साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर भी, हमारा ट्विटर हैंडल है द क्रिप्टो दोस्त, और हमारे फेसबुक पेज का हैंडल भी है द क्रिप्टो दोस्त। प्लीज आके हमसे इन दो प्लेटफॉर्म पर जुड़िएगा जरूर। Thank you very much.